वालेकुम, दिस इज शहजाद अकबर फ्रॉम द राइजिंग यूथ। और बेशतर सिटीज़ में ये हो रहा है, कराची में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, रावलपिंडी में, सरगोधा, बहावलपुर, गुजरांवाला, पिशावर, इन सारे शहरों में हमारे जो है ना एक टीम फैली हुई है जो काम कर रही है, जो इस तरीके से इफ्तार ड्राइव करवा रही है। नॉट जस्ट दिस, मतलब सिर्फ रमज़ान में इफ्तार ड्राइव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी जो सोशल सर्विस होती है वो सालों साल चल रही होती है। हम लोग 3-4 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं और 3-4 साल से हम लोग इफ्तार ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। इस साल जो है हमने 9 सिटीज़ में हमने अपने ऑपरेशन एक्सिक्यूट किए हैं, और पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो कराची से स्टार्ट किया था पिछले साल, उसके बाद हमने ऐसा ऐसा करके 4 सिटीज़ में आए, फिर 9 सिटीज़ में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हम लोग जो रोज़ाना के डेली बेसिस पे हम लोग जो सर्विंग करते हैं वो तकरीबन 500 to 600 एक्सीड कर जाते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए काम पे, और मैं उन सब वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे साथ जो भी काम करते हैं, प्रधान भाई हैं, हनी हसन है, हरी यूसुफ है, और जो हमारे जितने भी सारे मेंबर्स हैं हमारे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ तावन करते हैं। और स्पेशली उन लोगों को जो डोनर्स हैं हमारे, जो डोनेशन देते हैं अपनी, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके हमें डोनेशन देते हैं, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चाहे वो कराची के हों, चाहे वो किसी भी एरिया से हों, स्लम्स के हों, किसी भी एरिया से हों, वी आर वर्किंग फॉर एवरीवन, वी आर वर्किंग फॉर द नीडी पीपल, और हम हर तरीके से हेल्प करते हैं लोगों की। फॉर एग्जांपल किसी का मतलब कोई कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, कोई हेल्थ सर्विसेज हो गई, कोई एजुकेशन सर्विसेज जिनमें मतलब उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई मेडिकल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई एजुकेशन सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम लोग जो है एक आसानी प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग उनके स्पॉन्सर बन जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास केसेस आते हैं वो हम लोग पूरा उतरें और उन्हीं केसेस को सॉल्व करें। जो लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, जो लोगों की उम्मीदें राशि से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को ठेस ना पहुँचे, उन लोगों को देना मतलब एक तरीके से दिलाजारी ना हो किसी का, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं। प्रॉब्लम किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो कि लोगों को, कोशिश हमारी ये होती है कि हम हर तरीके से लोगों की हेल्प करें, पाकिस्तान में रहने और हर तरीके से लोगों की हेल्प करें। बैठ के खा सकते थे कि नहीं, हमें लोगों का ख्याल है, इसलिए जो लोग लोगों का अफ्तार नहीं कर सकते, जो लोग भूखे होते हैं वो अफ्तार नहीं कर सकते, तो उनका पहला ज़्यादा आगे, हम तो आराम से बैठ के कर लेते हैं पूरा साल का, लेकिन वो लोग जो अफ्तार नहीं कर सकते, तो इसलिए